मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय होने के एक साल के उपलक्ष्य में अलग अलग पुलिस थानों में अलग अलग उपकेंद्र लगाए जा रहे हैं। उसी दरमियान पूनम सागर में एक नई बीट चौकी लगाई गई, जिससे आपराधिक मामलों को रोका जा सकता है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर भी ड्यूटी लगाई गई। आज इस बीट चौकी का उद्घाटन मीरा भाईंदर शहर के DCP अमित काले ने किया। इस वक्त ACP शशिकांत भोसले और स्थानीय नगर सेवक सहित स्थानीय नागरिक भी उपस्थित थे। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए अमित काले और स्थानीय नगर सेवक, जब से मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट की स्थापना हुई है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते सर, इनके संकल्पना से कम्युनिटी पुलिसिंग की आज शुरुआत हुई है। मोहल्ला कमेटी की मीटिंग, जिसका एक एग्जाम्पल है, हर महीने में ऑर्गेनाइज होती है, बीट वाइज ऑर्गेनाइज होती है। शांतता कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और जिसके चलते सभी सन उत्सव त्यौहार जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से शांततामय तरीके से सेलिब्रेट हो रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन से पुलिस को कार्य करने के लिए जिससे प्रेरणा मिलती है, मदद मिलती है, उसके जरिए आज जो माजी नगर सेवक है सुरेश जी मात्रे, इनके तरफ से आज ये पुलिस निवारा केंद्र जो है पूनम सागर में हमें मिला है। जहाँ पे निवारा केंद्र है, ये बॉर्डर है नया नगर काशीमीरा की, पुलिस स्टेशन की। यहाँ से जो वे आउट है वो सीधा पेंकरपाड़ा होते हुए डायरेक्ट हाईवे, और हाईवे से फिर लेफ्ट से वसई और राइट से मुंबई जाने के लिए भी वो हाईवे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्रिमिनल यहाँ से नया नगर में कोई कार्रवाई करता है और उसको यहाँ से भागना है, तो मोस्टली ये रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी क्रिमिनल को एंट्री भी करनी है तो इस एरिया का या इस रोड का इस्तेमाल करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जितने सीरियस क्राइम अभी तक हुए हैं पूरे कमिश्नरेट में, उसमें हमें CCTV का बहुत ज़्यादा योगदान मिला है। हम लोग बहुत खुश है कि आज हमारे प्रभाग 21 में ये बीट चौकी हुई है, और हमारा भी हमेशा से ही ये डिमांड था कि यहाँ पे एक बीट चौकी हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो एरिया है, सामने ही पूनम सागर एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए भी हम लोग वनकुट्टी साहब के पास भी गए थे, और उनको भी हम लोगों ने एक मीटिंग लगाई थी पूनम सागर फेडरेशन और हम लोगों ने, कि जो भी समस्या थी उसके लिए, तो यहाँ पे अभी नज़दीकी आ गया, तो हम लोग बहुत खुश है उसके लिए। नमस्कार। फ़ायदा इतना बड़ा है क्योंकि ये मांग हम सबकी बहुत टाइम से चल रही थी, और सचमुच इसका फ़ायदा जो क्राइम कर रहे हैं और जो भाग के जाने की, ये थोड़ा लोनली एरिया पड़ता था शाम के टाइम, रात के टाइम, वहाँ पे ये चीज़ सारी फ़र्क पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं ये डर से थोड़े क्रिमिनल लोग कम आते जाते रहेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। थैंक यू। हम लोग को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले हम कुछ निवासी यहाँ से ऑफिस बेयरर्स गए थे, कमिश्नर साहब से मिले, MLA मैडम से मिले और वेंकुटे साहब से मिले, और दूसरे हम लोग को उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कंटेनर आके इधर आने वाला है। फिर वी सॉ रिजल्ट्स, ये आया है, अभी बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि हर रात को हम लोग को जो लोकेलिटी है हमारा, वहाँ पर बहुत लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं और हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। So this will really help.